आप लोगों ने हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी संबोधन कर से अने आगळनी विस्तृत जानकारी आपसे हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी ने विनती करूँ छूँ कि आ प्रेस कॉन्फरन्स ने कंटिन्यू करें। आप सभी पत्रकार बंधुओं को नूतन वर्ष अभिनंदन एवं नमस्कार। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मुख्यतः इस विषय पर है कि पिछले कई महीनों से विपक्ष लगातार इस देश में इस जनता के जनमानस के ऊपर भ्रमित करने का एवं हिंसक वैचारिक हमला करने का कार्य कर रही है और इसी बात का खंडन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर एक प्रदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आयोजन किया। आप सभी लोग जानते हुए कि पेट्रोल और डीजल के भाव केंद्र सरकार ने दिवाली के पहले ही कम किए और भाजपा शासित जितने भी प्रदेश हैं वो प्रदेशों में भी इसके ऊपर जो कर लगते हैं टैक्स लगते हैं उसमें कमी की गई है और सभी राज्यों में पेट्रोल और डीजल के ऊपर 12 और 15 रुपए की कमी की गई और जनता को एक अच्छा खुशहाल माहौल दिवाली में मिले ऐसी भेंट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने दी है। किंतु विपक्ष जिनकी सरकार अन्य प्रदेशों में है वो कोई भी प्रदेशों में पेट्रोल या डीजल के भाव कमी नहीं हुए और ऊपर से लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। किंतु जो पेट्रोल के भाव बढ़े हैं ये सबके जिम्मेदार भी विपक्षी है। साधारणतः बैरल के भाव 40 और 50 यूएस डॉलर रहते हैं। 40 और 50 यूएस डॉलर के बजाय वैश्विक तौर पे आज क्रूड ऑयल का रेट 84 रुपीस यानी 70% हाई क्रूड ऑयल का रेट। बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनहित को सर्वोपरि मानते हुए जहाँ एक बार जो क्रूड ऑयल वैश्विक तौर पे बढ़ रहा है बावजूद उन्होंने 12 रुपए की कमी जनहित की और एक अच्छा सा संदेश पूरे देश में दिया। किंतु विपक्ष इस बात को बचा नहीं रहा, नहीं अपने शासित राज्यों में वो कर कम कर रहा है और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। साथ साथ ये जो पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़े हैं इसका भी जिम्मेदार विपक्ष ही है। 2014 के पहले जब उनकी सरकारें थी तब उनकी सरकार ने ऑयल बॉन्ड खरीदे थे, आज इस ऑयल बॉन्ड की कीमत है अबजों रुपये के ऊपर हो गई है और ये ऑयल बॉन्ड की प्राइस की भरपाई भी वर्तमान सरकार को करनी पड़ रही है। यानी उनके किए हुए सभी गलत कामों की वजह से आज पेट्रोल डीजल का भाव बढ़े भी है और बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने सकारात्मक और संवेदनशील कदम उठाते हुए इस रेट को कम किया है और लोगों को एक अच्छा माहौल भी दिया है। दूसरे जो बात थी वो हिंसक माहौल जो खड़ा किया गया पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद जिस तरह तृणमूल की सरकार लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले करती थी इससे व्यथित होकर गृह मंत्रालय ने एक समिति की रचना की और ये समिति की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में चुनाव के पश्चात 7,000 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुई, 1,00,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं अपने घर से अन्य घर की ओर प्रयाण किया है, 100-125 से ज़्यादा महिलाओं के ऊपर यौन शोषण और रेप की घटना घटी है और 50 से ज़्यादा लोगों की हत्या की गई है। यानी पूरे देश में एक अराजकता फैलाने का माहौल चल रहा है, किस तरह लोगों को परेशान किया जाए, हिंसा की जाए और किस तरह ये पेट्रोल डीजल के भाव को गलत तरीके का बताकर देश की जनता को भ्रमित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विपक्ष की ये सभी कार्यशैली को खंडन करती है, ऐसे कार्यों का खंडन करती है और पार्टी सबको आश्वस्त करना चाहती है कि आने वाले दिनों में पार्टी ऐसे सभी राज्यों में पूर्ण सकारात्मक रूप से ऊर्जा से भरकर अच्छा वातावरण खड़ा करेगी
और जो ये माहौल बना हुआ है, ये माहौल सुरक्षित रूप में आगे बढ़े, इस तरह का माहौल खड़ा करें। और जनता को जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में मदद की है, उसी सकारात्मक और संवेदना सोच को आगे रखते हुए कार्य करती रहेगी। आप सभी को ज्ञात होगा कि पिछले टाइम कभी भी जब ऐसी वैश्विक महामारी आई, तो महामारी की दवाई बनाने में देश को 40-40, 20-20 साल लगे, किंतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक महामारी, जहाँ सभी विश्व की महासत्ताएं पीछे रह गई, वह हमने दो दो विश्व स्तर की दवाई बनाई। और खाली दवाई बनाई ऐसा नहीं है, 278 यानी 278 दिनों में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीनेशन किया गया, और आज देश में 108 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। और ये जो वैक्सीनेशन हुआ है, ये सभी की चर्चा है, पूरे विश्व में हो रही है। पूरा विश्व ये जानने को आतुर है कि किस तरह 100 करोड़ से लोगों ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया, क्योंकि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देना यानी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करके अलग अलग जगह के ऊपर स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्त करना, और नियुक्त करने के बाद 100 करोड़ लोगों को सुरक्षित रूप से ये वैक्सीनेशन देना, यानी ऐसा महत्वपूर्ण और सकारात्मक कार्य इस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है, और जो जिसकी देश पूरा विश्व इस बात के ऊपर हमें गर्व की ओर से देख रहा है। तो ऐसे गर्व और ऐसे विचारों को पॉजिटिव लेते हुए सबके सामने रखना चाहिए, इसकी जगह विपक्ष जो हिंसा की और जो गलत पेट्रोल और डीजल के बारे में भ्रांति फैलाकर कार्य कर रही है, तो इस पैसों का मुख्य माध्यम था कि आप सभी के माध्यम से हम इस देश की, इस प्रदेश की जनता को इस गलत चीज़ों का खंडन करें, और लोगों को आश्वस्त करते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से ऊर्जा से, उमंग से, उत्साह से, सकारात्मकता से, जो पार्टी का संकल्प है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत, इनके ऊपर आगे बढ़ेगी और निरंतर कार्य करती रहेगी। आप सभी लोग ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डाला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्फ्रेंस ने बताया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद विपक्ष किस तरह हिंसा को उतर है, और यही चीज़ का रिपीटेशन सिलवासा में होने जा रहा था, किंतु हमने तात्कालिक धोरण के ऊपर प्रशासन के साथ बात करके जो हिंसात्मक कार्य करने वाले लोग हैं उनके ऊपर तुरंत कार्यवाही करने की बात रखी, और प्रशासन ने भी कार्यवाही करते हुए तुरंत ही ये मामलों के ऊपर जो जवाबदार व्यक्ति थे उनको अरेस्ट भी कर लिया, और आगे की ये घटना ना बने इस तरह की पूरी चौकस व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन के माध्यम से की है, और पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करती है कि ऐसी कोई घटना आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी बनने नहीं देगी। और अपने सभी कार्यकर्ताओं को भी संदेश देना चाहती है कि जो हमारे संकल्प है, जो हमारे कार्य है, वो हम पूर्ण उत्साह और पूर्ण उमंग से करेंगे, और हम अपने संकल्प पर आगे बढ़ते हुए पुनः एक बार सिलवासा और दमन में सुरक्षित वातावरण बने, ऐसा पूरा प्रयास करेंगे। Style and Smiles The Family Saloon અમારે ત્યાં કરાવેલી દરેક પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ નું 100% રિઝલ્ટ આવે છે જેવી કે કેરેટિન ટ્રીટમેન્ટ વર્ટેક્સ હેર કલર હેર હાઇલાઇટ્સ હેર સ્મૂથિંગ હેર રિબોન્ડિંગ શાઇની લુક ટ્રીટમેન્ટ ડેન્ડ્રફ ટ્રીટમેન્ટ દરેક પ્રકારની સ્કિન ટ્રીટમેન્ટ તાજિકા મેનિક્યોર ટ્રીટમેન્ટ બોડી પોલિશિંગ બોડી મસાજ વેક્સિંગ આઈબ્રો ફિક્સિંગ લિપસ્ટિક ફિક્સિંગ બ્યુટી સ્પોટ્સ મસા નિવારણ ટ્રીટમેન્ટ જેલ નેલ આર્ટ બ્રાઇડલ અને પ્રી બ્રાઇડલ મેકઅપ પણ કરવામાં આવે છે અમારે સલૂનમાં હેર એન્ડ બ્યુટી એકેડમી પણ ચાલે છે જેમાં સ્પેશિયાલિસ્ટ દ્વારા સ્ટુડન્ટ્સને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે હોમ બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સ મળી રહેશે તો આજે જ અમારા સલૂનની મુલાકાત લો અમારું સરનામું છે સ્ટાઇલ એન્ડ સ્માઇલ્સ ધી ફેમિલી સલૂન યુનિટ 1 ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર અલહરામ ટાવર હોટેલ કસાદે દામોની પાસે ખારીવા નાની દમન યુનિટ 2 શોપ નંબર 1 ફર્સ્ટ ફ્લોર વિકાસ અગે નાની દમન પોલીસ સ્ટેશનની સામે દમન અપોઇન્ટમેન્ટ લેવા માટે સંપર્ક કરો મુમતાઝ પરેરા 9924036909 મેલરોય પરેરા 9924002699 ફિટ એન્ડ પેટ વર્લ્ડ બિગેસ્ટ પેટ શોપ ઇન દમન ઓલ
All types of food and accessories are available here. On purchase of 500 and get lucky coupon. And chance to win exciting prizes. Offers starts from 26th August 2021 to 26th January 2022. Address F3N4 Damania Heights, JT Road, Nani Daman, 396210. Mobile number 7575069107.